बस्तर में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और इसी वजह से इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। और जब पहले बाढ़ आती थी जो आलम होता था, आज भी वही आलम देखने को मिल रहा है। और एक समय जो इंद्रावती नदी सूखने के कगार पर आ गई थी, अब अपने पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से काफी ऊपर इंद्रावती नदी का जलस्तर आ गया है, जिससे नदी के तटीय क्षेत्र से लगे सभी मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने राहत शिविर लगाकर सभी बाढ़ पीड़ित को उन राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया है। गणपति रिजॉर्ट जिसमें पानी भरने से 49 लोग फंस गए थे, उन सभी 49 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया है। नगरनार पंप हाउस के पास अचानक जलस्तर बढ़ने से 6 ग्रामीणों के फंसने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को नगरनार भेज दिया गया है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश ने बस्तर वासियों पे कहर बरपा रहा है और बस्तर में लगातार हो रही बारिश से बस्तर वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और एक बार फिर शहर जलमग्न हो चुका है। जगदलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। 3 दिन पूर्व तक बस्तर वासी जिस मानसून का इंतजार कर रहे थे, अब वह मानसून आफत की बारिश लेकर पहुंचा है और लगातार बीते 3 दिनों से हो रही बारिश से पूरा बस्तर पानी पानी हो गया है। और एक समय जो इंद्रावती नदी सूखने के कगार पर आ गई थी, अब अपने पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से काफी ऊपर इंद्रावती नदी का जलस्तर आ गया है, जिससे नदी के तटीय क्षेत्र से लगे सभी मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने राहत शिविर लगाकर सभी बाढ़ पीड़ित को उन राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया है। गणपति रिजॉर्ट जिसमें पानी भरने से 49 लोग फंस गए थे, उन सभी 49 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया है। नगरनार पंप हाउस के पास अचानक जलस्तर बढ़ने से 6 ग्रामीणों के फंसने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को नगरनार भेज दिया गया है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश ने बस्तर वासियों पे कहर बरपा रहा है और बस्तर में लगातार हो रही बारिश से बस्तर वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और एक बार फिर शहर जलमग्न हो चुका है। जगदलपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी।